अबे मुर्शिद पार्क को एक प्लास्टिक की कटोरी में डालना है और इसकी दोला यंत्र सिस्टम से उसका स्वेदन करना है। कटोरी हट के करना, बस बस चाल से। इसी तरीके से ये दोला यंत्र तैयार किया है, इसमें कांजी डाली है और कांजी में उसको 3 घंटा स्वेदन करना है। सिर्फ बाफ देना है, वराल निकले इतने ही, उफान नहीं आना चाहिए, सिर्फ वराल निकले इतने ही बाफ देना है 3 घंटे। तो ये पारद फिर से जो मूर्छित अवस्था में आया है तीसरे संस्कार में, वो उत्थापन संस्कार में वो मूल प्रवाही रूप में आ जाएगा। यहाँ दूरी बन थोड़ी नीचे बांध जी, बस 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 बस। फिर मारने हाँ बिजी ग्राफ मारोगे चलते बस ओवर। अब ये पोटली तैयार कर दिया है, इसको भोजपत्र में रख कर भी किया जाता है, दूसरा कोई भी कागज में रख कर भी किया जाता है। पावर पारद इसमें से निकल नहीं जावे, इसी तरीके से रख कर उसको किया जाता है। और नीचे से इतनी ऊंची पोटली रखनी है कि नीचे तलिए से, ये बर्तन के तलिए से 2 इंच ऊंची रहनी चाहिए और इसमें डूबी रहनी चाहिए, इसमें डूबी रहनी चाहिए। डुबा दे तो अभी पानी भर जाएगा तो डूब जाएगी। इसी तरीके से डूबी रह गए पोटली, और ऊपर से लटकती रह गए, नीचे तलिए के टच ना हो गए और लटकती रह गए। इसी तरीके से उनको स्वेदन करना है। ये उत्थापन संस्कार किया जाता, कहा जाता है उसको। तीसरा मूर्छित संस्कार में पारद मूर्छित हो जाता है, तो मूर्छित अवस्था में से फिर उनको प्रवाही रूप में लाने के लिए ये उत्थापन संस्कार शास्त्रों में दिया गया है, जो कांजी में स्वेदन करने से 3 घंटा पारद फिर मूर्छित अवस्था में से प्रवाही रूप में आ जाता है। अब उसको चूल्हे पे रखते हैं। ये छोटा गैस का रखा है, जैसे एकदम रिमोट के लिए पहले से गैस बिल्कुल मंद मंद करना है, बिल्कुल मंद मंद धीमा। ये भी साली थोड़ी गर्मी तो ज़्यादा पड़ेगी। पिला में मस्त डीम था है बाबू हैं, हमें डीम था है। हाँ ये कर दो तो। आ बस ये बराबर है, कंप्लीट है, ये भी ज़्यादा ही पड़ेगी ऐसा लगता है। चलो सर गई दे मुझे, हाँ चलो सर गई दे। नहीं तो ऐसा करेंगे, पानी उबलने आएगा तो थोड़ी देर गैस बंद कर देंगे, फिर जलाएंगे, ऐसा ही करेंगे। इससे कम गैस होता नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से 3 साढ़े 3 घंटा उसको स्वेदन करके बाद
बाद में पारद को निकाल कर कांजी से ही धो लेना है। अगर तो बीजा को दूसरा कोई भी अम्ल द्रव्य से पारद को धो लेना है और आगे पांचवें संस्कार के लिए आगे बढ़ना है। ये चौथा संस्कार उत्थापन संस्कार जो कहा जाता है, वो उत्थापन संस्कार यहाँ ये 3 घंटा अग्नि पूरी हो जाने के बाद पूरा हो जाता है। अब अगले पार्ट में पांचवें संस्कार का ही मैं वीडियो आपके सामने रखूँगा। नीचे पोटली लटकनी चाहिए, तलिए पे बर्तन के तलिए पे टस नहीं होनी चाहिए, लटकती पोटली होनी चाहिए और द्रव्य में डूबी होनी होनी चाहिए, द्रव्य में डूबकर रखनी है। पानी भी इतना गर्म रखना है कि सिर्फ वराल निकलनी चाहिए, बाफ निकलना चाहिए, पानी में उबाल नहीं आना चाहिए, पानी में जो परपोटा आता बोलता है वो नहीं आना चाहिए, परपोटा सिर्फ बाफ वराल निकलनी चाहिए, इतनी ही गर्मी देनी है। अगर पानी में परपोटा निकलने लगे तो थोड़ी देर अग्नि बंद कर दो, फिर थोड़ी देर अग्नि दो, फिर थोड़ी देर अग्नि बंद कर दो, फिर थोड़ी देर अग्नि दो, इसी तरीके से गैस चकड़ी के ऊपर किया करो। हाँ, आपने पहले पर